गाइस कैसे हो आप लोग दोस्तों, मैं हूं कस्टमर। आप देख रहे हैं इस वीक सेल्फ यूनिक। गाइस आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कि जो जस्ट जॉब पा चुके हैं, और बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब तो पा चुके हैं बट जॉब में ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जॉब नहीं लग रही, या फिर जॉब किसी तरीके से लगी या फिर जॉब में ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत डीप में डिस्कस करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और समझना कि आप कहां पर गलत कर रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली आप भी कहीं पर गलत हो सकते हो, हर कोई कहीं पर गलत हो सकता है, मैं भी कहीं पर गलत हो सकता हूं। तो गलतियां हमारी कहां पे, अगर ये पता चल जाए तो हम उस पर वर्क करके उसको ठीक कर लेंगे ना। अगर हमको पता है कि हमारे जो घाव है वो यहां पर लगा हुआ है तो हम यहां पर ट्रीटमेंट करके घाव को सही कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज आप मिस कर रहे हो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके करियर को जो उड़ान चाहिए थी वो उड़ान नहीं मिल पा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, समझते भाई कहां पर हम गलत हैं। सबसे पहली चीज गाइस, एक वर्ड है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ठीक है, चेंज होगा, चेंज कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, चेंज डेली होने वाला है। आज से 50 साल पहले का जो इंडिया था, आज का जो इंडिया है, आज से 100 साल पहले का इंडिया जो है और आज का जो इंडिया है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। क्या हमने अपने सिविल टेक्नोलॉजी को, जो सिविल इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें क्या खुद को बढ़ा रहे हैं क्या, या फिर हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं? जनरली अगर देखा जाए तो आप खुद से पूछना, ज्यादातर लोग वही कर रहे हैं जो पहले करते चले आए हैं। एक्सेप्ट चेंजेस वाले ऊपर रोल पे नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है। कुछ नया अपडेट कर रहे हो क्या? अगर नहीं अपग्रेड कर रहे हो तो कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि यार दुनिया तो आगे बढ़ी चली जा रही है? क्योंकि डेफिनेटली मैंने बोला 150 साल पहले का इंडिया, आज का इंडिया, बहुत ज्यादा चेंज है। तो क्या हम कुछ अपग्रेड कर रहे हैं क्या खुद को? तो ये आप खुद से पूछो, समझो कि हाँ यार मैं कुछ नया तो कर ही नहीं रहा हूं। सिविल में वही जो 4 सेमेस्टर से उस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स थे हमने उनको पढ़ लिया, नया क्या किया? ये तो सब पढ़ रहे हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा अपने अंदर, कुछ नया अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप लाना चाह रहे हो तो किस चीज के लिए लेके आऊं? डेफिनेटली जैसे कि आप उसमें डिफाइन करिए कि सिविल में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर जॉब कर सकते हैं। क्या बीम में जॉब कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स में जॉब कर सकते हैं, क्या ब्रिज में जॉब कर सकते हैं, क्या एस्टिमेशन में जॉब कर सकते हैं, क्या बिलिंग में जॉब कर सकते हैं, कौन सा डोमेन है जो आपके लिए बेहतर है? चाहे क्या पीवी में कर सकते हैं, क्या प्रीकास्ट में कर सकते हैं, क्या कन्वेंशनल स्टील में कर सकते हैं, क्या डिफरेंट प्रोफाइल है? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन लाना है ना, तो पहले चेक करो कि परिवर्तन लाऊं किधर है। एक सेक्टर का चुनाव करो, उस सेक्टर में देखो क्या क्या चेंजिंग्स हो चुकी हैं, हमारी किताबों में क्या है। बहुत सारी चीजें किताबें में ऐसी हैं जो बहुत ओरल है, ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल की है। एक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो फ्लैट स्लैब का कहीं पर भी ढंग से डिजाइन नहीं दिया गया पूरे सिविल इंजीनियरिंग में, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। तो क्या हमें चेंज करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम बेहतर कर सकते हैं, इसको देखो और चेंज आज से थोड़ा थोड़ा करके लाने की शुरुआत करो। सबसे पहली चीज मैंने यही देखा है, लोग चेंज नहीं ला रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। दूसरी जो चीज है वो ये है कि कई लोग चेंज तो ला ले रहे हैं बट उनको पता नहीं है कि राइट प्लेस कहां पर हमें पहुंचना है। राइट प्लेस का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट प्लेस कैसे करोगे? डेफिनेटली कई ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कि छोटी मोटी जॉब पा चुके होंगे आप में से। अब अगर मैं उनसे पूछूं कि आप कितनी कंपनियों में अप्लाई कर रहे हो, तो बहुत ढेर सारे कुछ लोगों के क्वेश्चन यही आंसर यही होंगे, सर अभी क्या करूं, अभी तो जॉब कर रहा हूं, अप्लाई क्या करूं? मतलब अप्लाई तब करोगे जब उस कंपनी का में तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा, या फिर वो कंपनी तुमको इंक्रीमेंट नहीं देगी, या फिर वो कंपनी बोलेगी अब जाओ, तब अप्लाई करोगे। तो आपको राइट प्लेस सर्च करना पड़ेगा। कई ढेर सारे जगह हैं जहां पर बेहतर पैकेज मिल रहा है, ठीक है। तो अगर राइट प्लेस का चुनाव आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप मानिए कि आप बहुत बेहतर। मैं जॉब्स गाइड वाले अपनी जो यूट्यूब चैनल है अपना, उस पर रेगुलर बताता रहता हूं कि देखो यहां पर 18 लाख का पैकेज चल रहा है, यहां पर 24 लाख का पैकेज चल रहा है। और बिलीव करिए बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम जो तीसरी हमारी प्रॉब्लम है, खुद को अंडरएस्टिमेट कर देते हैं। हमको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। हर कोई है जिसके अंदर एक सुपर पावर है, जस्ट पहचानने की जरूरत है दोस्त। तो ये चेक करो कि मैं क्या अपने आप को सही स्थान पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूं क्या। कोशिश करो कि हफ्ते में एक दिन, चाहे संडे के दिन ही, कम से कम 5 से 7 कंपनी में अप्लाई करना स्टार्ट करो, इंटरव्यू देना स्टार्ट करो, रिजेक्ट होना स्टार्ट करो। रिजेक्ट होगे तो क्या होगा? अब लोग सर रिजेक्ट होने के लिए हम जाएंगे? यस, जब आप रिजेक्ट होते तो आपको पता चलता है कि मेरी गलती कहां पे है। एक लड़का तो मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, पंकज करके, तो अभी कंपनी में गया, मुझे याद आ गया, एक कंपनी में गया, बहुत अच्छी कंपनी थी, इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था, वो हिल गया वो, जबकि वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट है मेरे बैच का, गुरुकुल का। वो देखा कि यार इतनी कुछ, इतना चीजें पूछ रहे, तब वो आके घर पे फोकस हुआ और फिर और ज्यादा वो प्रिपेयर कर रहा है, डेफिनेटली उसको जल्दी सक्सेस मिलेगी। बट ये उसको पता कैसे चला? जब वो इंटरव्यू दिया, फेस किया कि यार ये भी पूछा जाता है,
ठीक है। अभी तक क्या था कि वो नॉर्मल चीजें वो पढ़ा हुआ तो उसको लग रहा था कि हमने किताब जो पढ़ा है हमारा काम हो जाएगा, लेकिन जब इंडस्ट्री में जाते हो तो बहुत सी चीजें चेंज होती है, ये उसको रियलाइज हो गया, अब वो डेफिनेटली अपने आप को बेस्ट कर लेगा। ठीक है, तीसरी चीज जो है जो मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस किया था, अंडर एस्टिमेट मत करो खुद को। एक चार्ट बनाओ कि मेरे पास कौन कौन सी चीजों का स्किल है, कौन कौन सी चीजों का भरपूर नॉलेज है, क्या उसमें थोड़ा बहुत वर्क करके और बेटर कर सकते हैं क्या। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि आपको सिविल इंजीनियरिंग में क्या आता है, एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लेना, बहुत ढेर सारे लोग ब्लैंक हो जाएंगे, बिलीव करना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप खुद से पूछ लो कि आप एकदम से ब्लैंक टाइप हो गए कि आया क्या आता है मुझे। ठीक है, बट बिलीव करो आपको बहुत कुछ आता है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन आपको क्लियर नहीं कि मेरे अंदर क्या क्या आता है, तो आपको एक लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। कहां पर? अपने मस्तिष्क में, हो सके तो पेपर पेन पे भी कर लेना। मैं अपने गुरुकुल के स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपने किस लेक्चर्स में क्या पढ़ा, किस दिन क्या पढ़ा, उसका एक एक्सेल शीट तैयार कर लो, उससे आइडिया रहेगा कि यार ये चीजें तो मुझे परफेक्टली आती है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस रेज होगा। क्या होगा? कॉन्फिडेंस रेज होगा। ठीक है, तो अगर आप मेरी बात मानना चाहते हो ठीक है, आप फिर अपने हिसाब से कर सकते हो, बट हाँ जो जो चीजें आपको आती हैं उनका एक लिस्ट तैयार कर लो कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग की ये चीजें, ऑटो कैड आता है, स्टेट प्रो आता है, एसएफटी बीएमडी आता है, डिफ्लेक्शन आता है, ये सारी चीजें मुझे आती है, क्या थोड़ा थोड़ा आता है जिसको मैं अपग्रेड कर सकता हूं, दूसरी लिस्ट बनाओ। ठीक है, दो लिस्ट बन गई ना, आप इन दोनों लिस्ट को मिला के देखोगे तो बहुत ढेर सारी चीजें होंगी जो आपको लगभग लगभग आती हैं, जो नहीं आती थोड़ा बहुत अपग्रेड कर लो। फिर एक चार्ट बनाओ जो बिल्कुल नहीं आती बट मार्केट की रिक्वायरमेंट है। आप बोलो कि मार्केट की रिक्वायरमेंट कैसे समझे, मार्केट की रिक्वायरमेंट समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो चौथी चीज मैं आपको बताने चल रहा हूं, अगर ये कर लिए तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। किस प्रोफाइल के लिए तैयारी कर रहे हो, जो सोच लो, सपोज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हो तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जॉब जस्ट जाके naukri.com पे, इंडीड पे, कहीं पर भी लिख दो, ठीक है, ढेर सारी जॉब्स आ जाएंगी। उन जॉब्स के जो जॉब डिस्क्रिप्शंस है जिसको जीडी बोलते हैं उसको देखो कि उसमें क्या क्या चीजों को पूछा गया है। किसी में पूछा गया है जीए ड्राइंग्स, किसी में पूछा गया है कि आपको प्लंबिंग ड्राइंग्स आना चाहिए, किसी को पूछा गया है कि आपको ड्राफ्टिंग करना आना चाहिए, पूरे स्ट्रक्चर्स का जो जो चीजें उसमें पूछा गया है जीडी में। मान लो कि एक कंपनी ने पांच चीजें बोली कि ये चीजें आनी चाहिए, दूसरी कंपनी ने बोला पांच चीजें ये चीज आनी चाहिए, तीसरी कंपनी ने, ऐसे करके पांच कंपनियों के जीडी देख लो, उन जीडी के टॉपिक्स को नोट कर लो। बिलीव करो अगर उनको आपने तैयार कर लिया तो आप छठवीं कंपनी में देखोगे तो वही चीजें कॉमन होंगी, फिर से रिपीट होंगी, वही चीजें फिर से कॉमन रिपीट होंगी, और इंटरव्यू में जाओगे तो आपका बेहतरीन सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग अभी जब, अगर अब तो मैं डेफिनेटली जॉब नहीं करता हूं, अपना ही खुद का काम है, लेकिन अगर जब मैं जॉब करता तो मेरा सबसे अच्छा तरीका था इंटरव्यू तैयारी करने का, क्योंकि देखो कंपनी में जब जाओगे ना तो वहां का काम अलग होता है, दूसरी कंपनी का काम थोड़ा अलग होता है, तो आप कितनी चीजों को पढ़ोगे, तो हम कुछ नहीं करते थे, जहां के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां का जॉब डिस्क्रिप्शन लिख लेते थे, सिर्फ उसी जॉब डिस्क्रिप्शन पर ज्यादा फोकस करते थे, उसको प्रिपेयर करते थे। अगर वो प्रिपेयर कर लिया तो डेफिनेटली आपका भला होगा। ये मैंने चार चीजें आपको बताया कि अंडर एस्टिमेट मत करो खुद को, और एक राइट प्लेस का हमेशा तलाश करते रहो, दूसरी चीज थी। पहली चीज थी कि हमें परिवर्तन करना पड़ेगा खुद के अंदर, क्या चेंज कर सकते हो ये देखते रहो, और चौथी चीज हमने जो आपको बताया कि जॉब डिस्क्रिप्शन देखो कि कहां पर क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, उनका एक लिस्ट बनाओ और उसी पर तैयारी करो, उसी पर फोकस करो, उसी पर फोकस करोगे डेफिनेटली अच्छा होगा। और पांचवी चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आपका रिज्यूम कवर और पोर्टफोलियो। ठीक है, क्यों रिज्यूम इंपॉर्टेंट है? रिज्यूम कुछ इसी तरीके से है जैसे कि अगर आप क्या बोलते हैं, आपका प्रेजेंटेशन है एक तरीके से बोला जाए, आप क्या हो मुझे क्या पता, बट आप क्या हो, आपका रिज्यूम देख के मैं बता सकता हूं कि आप कैसे थे, कैसे हो और कैसे रहोगे, ये सारी कुंडली आपकी एक तरीके से वो रिज्यूम के फॉर्मेट में है। तो रिज्यूम को बेहतर से बेहतर बनाओ, नहीं है आपके पास तो यूनिक सिविल के ऐप में जाओ, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में चले जाओ, वहां पर मेरे ढेर सारे जो अच्छे बच्चों के रिज्यूमे हैं वहां पर डाल रखा हूं, देख के उसी तरीके से या फिर उससे बेहतर बनाने का प्रयास करो। कवर लेटर इसलिए क्योंकि कोई भी आपका रिज्यूम तब डाउनलोड करेगा जब कुछ इंप्रेसिव लाइंस आप लिख सकोगे, तो कुछ इंप्रेसिव लाइंस मेल में लिखने के लिए कवर लेटर तैयार कर लो। अदरवाइज मेरे पास मान लो डेली कितने मेल आते होंगे, क्या मैं सारे मेल्स को ओपन कर पाता हूं क्या? नहीं। लेकिन किसी मेल में कुछ इंप्रेसिव सब्जेक्ट लाइन लिखा है, कुछ इंप्रेसिव कवर लेटर लिखा है तो देखने का मन करता है। और तीसरी चीज जो पोर्टफोलियो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, मैं कैसे जज करूं, आपने लिखा तो है कि मुझे स्टेट प्रो आता है, ईटैब आता है, कितना आता है कैसे पर्याप्त पता चलेगा, आपका पोर्टफोलियो देख लूंगा, समझ में आ जाएगा बंदा यहां है कि यहां है। ये पांच चीजों पर अगर आप काम करते हो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। ये फाइव रूल्स याद रखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक चीज बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को शेयर करना लोगों तक। क्यों? क्योंकि अच्छी चीजों को जब आप शेयर करोगे तो मुझे लगेगा और ज्यादा इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, हम और डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। डेफिनेटली आपको अपने आप को सेफ रखना है, मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट में एक से एक लोग हैं, डेफिनेटली वो आपके माइंड को रीड कर रहे हैं। ठीक है, आपके माइंड को रीड कर रहे हैं, क्यों? अपने पेट को भरने के लिए, क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत छोटा है, उनका लक्ष्य क्या है, खुद का पेट भरना। लेकिन अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, ठीक है, थोड़ा बहुत मेरा भी बड़ा है, तो डेफिनेटली इसमें सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए आपका भला।
आपको कैसे बेनिफिट हो इसके कुछ फायदों मैं अभी आज आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत।